हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे साथी प्रोफेसर गौतम जी जो मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी से आए हैं, सागर यूनिवर्सिटी से, और वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर जो चेयर है, वहाँ के प्रोफेसर चेयर भी हैं, वो कनाडा के टूर पे आए हैं। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि उनके टूर में सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी में आने का भी मौका मिला। और ये जो हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का स्टैचू यहाँ पर यूनिवर्सिटी में लगाया था 2004 में, वहाँ पर आए हैं, इन्होंने श्रद्धांजलि दी है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को। और हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप इंडिया से आए हैं, यूनिवर्सिटी से आए हैं, और यहाँ कैनेडियन यूनिवर्सिटी में आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का स्टैचू देखकर आपको कैसे फील हो रहा है? इसकी क्या आपके हिसाब से इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग द स्टैचू ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर इन द पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस? प्रोफेसर साहब, this is a great opportunity for me to be here in Simon Fraser University and its library hall. This university is in Burnaby, town of the Vancouver city, and I am very much thankful to Jay bhai jinhone mere ko yahan pe leke aaye aur mere ko introduce karaya ki yahan pe Canada mein वो डॉक्टर अंबेडकर को लेके मूवमेंट चला रहे हैं। और 2004 में उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के इस लाइब्रेरी हॉल में डॉक्टर अंबेडकर के स्टैचू को इस्टेब्लिश करवाया। और न सिर्फ स्टैचू इस्टेब्लिश कराया बल्कि जो अंबेडकर का मिशन है उसको यूएस और कनाडा में ये आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बड़े मानवतावादी थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, रेशनलिस्ट थे। उन्होंने मानवता के विकास के लिए और बेहतरी के लिए समाज में उस समय की जो बहुत बुराइयां थी उनको ख़त्म करने का बीड़ा उठाया था, और उन्होंने तजीवन इसके लिए काम किया। उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की और आधुनिक भारत के शिल्पकार हम डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, क्योंकि आज जो भारत है, इंडिया जो आज है, वो डॉक्टर अंबेडकर ने जो ब्लूप्रिंट दिया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी से हम गवर्न होते हैं। चाहे हमारी जुडिशियरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, डेमोक्रेसी हो, और इतने बड़े देश को जहाँ पर इतनी सारी विविधताएं हैं, जहाँ इतना सारा पॉपुलेशन है, मोर देन 1.4 बिलियन पॉपुलेशन इज बींग मैनेज बाई दैट कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिटन बाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनको भारत की सरकार ने इसका जो सबसे गौरवशाली प्राइज है भारत रत्न वो दिया। और साथ ही उन्होंने जो काम मानवता के विकास के लिए किए, छुआछूत को खत्म करने के लिए किए, जातिवाद को खत्म करने के लिए किया, हम देख रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय इस बात को समझ लिया था। और उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे भारतीय मूल के लोग दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचेंगे, जाति प्रथा और जाति प्रथा से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, छुआछूत है, भेदभाव है, वो उन देशों में भी पहुंचेगा। वो आज हम देख पा रहे हैं, जो उन्होंने आज से 70-80 साल पहले बात कही थी, वो आज हम विटनेस कर रहे हैं यूएस और कनाडा में, जहाँ पे भारतीय मूल के लोग पहुँच रहे हैं। वहाँ पे वो आए तो थे अपने बेहतरी के लिए, वैज्ञानिक चिंतन के लिए, एकेडमिक्स के लिए, लेकिन जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ रही है, वहाँ भी जात पात और छुआछूत प्रवेश कर रहा है और इस तरह की प्रैक्टिसेस की जा रही हैं लोगों के द्वारा। जय भाई उसी के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। जय भाई अपने जो इंस्टीट्यूशन है चेतना, उसके माध्यम से, उसके अलावा यहाँ पे रविदास कम्युनिटी सेंटर है उसके माध्यम से, और अपने व्यक्तिगत प्रयासों से ये कोशिश करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की जो बात है कि हम मानवता को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम जो समाज है, मानव समाज, उसको बेहतरी की तरफ कैसे ले जा सकते हैं, समाज से ये जो बुराइयां हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म कर सकें, और हर मानव
उसको जाति पात के आधार पर नहीं बल्कि उसके काम के आधार पर उसको पहचाना जाए, उसको तवज्जो मिले और बराबरी का समाज विकसित हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं जय भाई को एक बार पुनः इस बात के लिए बधाई देता हूं और उनके कामों की सराहना करता हूं। इस लाइब्रेरी हॉल और के जो जो भी ऑफिस बीरर हैं और यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज हैं जिन्होंने यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर स्टेचू एस्टेब्लिश करके और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को लोगों तक पहुँचाने के लिए जो प्रयास किया है, उसके लिए मैं यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज को भी थैंक्स देना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी में अंबेडकर सेंटर एस्टेब्लिश हो, आगे जिसमें अंबेडकर की जो फिलॉसफी है उसको स्टडी किया जाए, अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी है उसको स्टडी किया जाए, अंबेडकर की जो साइंस है और जो रेशनलिटी है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अंबेडकर सेंटर की यहाँ पे स्थापना हो यूनिवर्सिटी में, एक डिपार्टमेंट हो, सेंटर हो, जिसमें हम डिफरेंट जो डिसिप्लिन है जो डॉक्टर अंबेडकर से रिलेटेड है, डॉक्टर अंबेडकर ने एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स भी पढ़े थे, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी उन्होंने काम किया, फिलॉसफी ऑफ रुपी उन्होंने दी थी और वुमेन एजुकेशन के लिए उनका जो काम है, ठीक है ना, कास्ट की जो है समाप्ति के लिए, जाति के विनाश के लिए जो उनका काम है, इन सब कामों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स खोले जाएं और उस सेंटर में टीचिंग हो, रिसर्च हो, ये मेरी इच्छा है और मैं चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी अथॉरिटी इसको जरूर कंसीडर करेगी और आने वाले समय में इस तरह के सेंटर स्थापित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे को सुनने के लिए और ये देखने के लिए। प्रोफेसर साहब जी, हम भी आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आपने जो आपकी ऑब्जर्वेशन है हमारे साथ शेयर की, ऑडियंस के साथ शेयर की।